प्लस टू द्वितीय वर्ष कला विज्ञान वाणिज्य समस्त पिलामानंकु माई सीएचसीसी क्लास स्वागत करुची। आज जो गद्य तीन तुंड रे ये जो तीन तुंड रे भुवनेश्वर बेहरांकर गद्य से तीन तुंड रे आज क्विज करिया तुमको टेस्ट करिया पिला माने देखिबा केते जण केते प्रश्नर आंसर दौचंती। टोटाल प्रश्न होची सोलोटी सोलोटी प्रश्न सोलो गुणन पाँच समान अशी मार्क तो 80 मार्क रु 80 मार्क रु किए केते नंबर रखुचंद देखा मैंने मु क्विज आरंभ पूर्व मु कही रखे तुमको मात्र 30 सेकेंड समय अच्छी आउ तुम्हें कौन करिबो यही जो लाइव चैट बॉक्स देखुच से लाइव चैट बॉक्स रे आंसर लिखिकी दबो से लाइव चैप्टर आंसर देखिकी देले मु देखिबी एवं समस्ते ठीक करिया पई चेष्टा कर समस्ते मन दे शुण प्रश्न टिकु एवं आंसर दियो। प्रथम प्रश्न देखिबा कौन अछि प्रथम प्रश्न होची केउ मानंक द्वारा प्रचलित शासन ही गणतंत्र रो प्रधान ओ प्रकृत विशेषत्व बोली कह जाई पारे। आउ थरे प्रश्न टी केउ मानंक द्वारा प्रचलित शासन ही गणतंत्र रो प्रधान ओ प्रकृत विशेषत्व बोली कह जाई पारे क गणंक ख जणंक ग राजांक घ मंत्रींक क गणंक ख जणंक ग राजांक घ मंत्रींक आंसर कौन हम आंसर हो गणंक क्यों मानक द्वारा प्रचलित शासन गणतंत्र प्रधान और प्रकृत विशेष कहुपे गणंक शासन द्वारा गण मानक द्वारा प्रचलित शासन तापर देखा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी परवर्ती प्रश्न हो भारत सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरी भारत में सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरी 2020 मसीहा साइंस रे आसला प्रश्न क लंकारे हरिशब्द परी ख ढोल भितरे मूसा परी ग बापराण ढेंकीगिळ परी घ उसना धान गजाहेबा परी क लंकारे हरिशब्द परी ख ढोल भितरे मूसा परी ग बापराण ढेंकीगिळ भळी घ उसना गजा उसुना धान गजाहेबा परी तेणु आंसर कौन पिला माने आंसर हेउची लंकारे हरिशब्द परी भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरी लंकारे हरिशब्द परी देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अछि परवर्ती प्रश्न होची केउं शासन रे शासक शासित एक ओ अभिन्न 2020 मसीहा आर्ट्स रे आसला केउं शासन रे शासक शासित एक ओ अभिन्न क गणतंत्र ख जनतंत्र ग समूहतंत्र घ व्यक्तितंत्र क गणतंत्र ख जनतंत्र ग समूहतंत्र घ व्यक्तितंत्र तो आंसर हेउची क गणतंत्र। तापर देखिबा पिला माने नेक्स्ट प्रश्न बा परवर्ती प्रश्न कौन अछि परवर्ती प्रश्न होची बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन हेबाकू बाहरी पड़ती क भड़ाटिया लोक ख प्रतिद्वंदी ग जनतार प्रतिनिधि घ शासक क भड़ाटिया लोक ख प्रतिद्वंदी ग जनतार प्रतिनिधि घ शासक तेणु आंसर हेउची जनतार प्रतिनिधि हेबापी बाहरी पड़ती तेणु बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे जनतार प्रतिनिधि हेबापी बाहरी पड़ती। परवर्ती प्रश्न देखा पिला माने गणतंत्र रे जनतार शासन किपरी हेबा स्वाभाविक गणतंत्र रे जनतार शासन किपरी हेबा स्वाभाविक क परोक्ष ख प्रत्यक्ष ग स्वप्नील घ दुष्प्राप्य क परोक्ष ख प्रत्यक्ष ग स्वप्नील घ दुष्प्राप्य तेणु आंसर कौन आंसर हेउची परोक्ष गणतंत्र रे जनतार शासन किपरी हेबा स्वाभाविक ना परोक्ष हेबा स्वाभाविक परोक्ष गणतंत्र। तापर देखिबा कौन ना काहाकु देखी पुरोहिते घाबरै जाइथिले एटा 2018 कॉमर्स रे आसतिला काहाकु देखी पुरोहिते घाबरै जाइथिले क राधु ख अगाधु ग पाणु घ साधु क राधु ख अगाधु ग पाणु घ साधु तो आंसर हेउची पाणु तो पाणु को देखी पुरोहिते घाबरै जाइथिले पाणु को देखी पुरोहिते घाबरै जाइथिले। तापर देखिया प्रश्न कौन अच्छी मेंढाशाला
ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? କ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ, ଘ ଗଧିଆ ପୋଷାକ, ଗ ସାଧା ପୋଷାକ, ଘ ଧଳା ପୋଷାକ। କ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ, ଖ ଗଧିଆ ପୋଷାକ, ଗ ସାଧା ପୋଷାକ, ଘ ଧଳା ପୋଷାକ। ତାହେଲେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ। ତ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ତ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ ସେ ରହିବ, ତେଣୁ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ ରହେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? 2019 ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? କ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗ ସାମ୍ୟବାଦ, ଘ ଏକଛତ୍ରବାଦ। କ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗ ସାମ୍ୟବାଦ, ଘ ଏକଛତ୍ରବାଦ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଅଛି, କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? କ ରାଧୁ, ଖ ପାଣୁ, ଗ ଗାଧୁ, ଘ ସାଧୁ। କ ରାଧୁ, ଖ ପାଣୁ, ଗ ଗାଧୁ, ଘ ସାଧୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଅଛି ଦେଖିବା, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଣୁ। ତେଣୁ ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବେଶୀ କାମ କରେ? କ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା, ଖ ଘୋଷଣା, ଗ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ, ଘ ସାଧୁତା। କ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା, ଖ ଘୋଷଣା, ଗ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ, ଘ ସାଧୁତା। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର କାମ ବେଶୀ କରେ, ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଦେଶର ଜନତା ଅଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନ ମନୋନୟନ, ଖ ଏକକ ମନୋନୟନ, ଘ ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଘ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆନ୍ସର ଅଛି, କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ, ଖ ଏକକ ମନୋନୟନ, ଘ ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଘ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, 12 ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ? କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ? କ ରାଧୁ, ଖ ଅଗାଧୁ, ଗ ପାଣୁ, ଘ ଯଜମାନ। କ ରାଧୁ, ଖ ଅଗାଧୁ, ଗ ପାଣୁ, ଘ ଯଜମାନ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଜମାନ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ, ନା ଯଜମାନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୁରୋହିତେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି? କ 80, ଖ 50, ଘ 60, ଘ 70। କ 80, ଖ 50, ଘ 60, ଘ 70। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ 60। ତ 60 ନ ପୁରିଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 14 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ ହୁଏ? 2019 ଆସିଥିଲା, 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପିଲା। ଦେଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ ହୁଏ? କ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର, ଖ ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର, ଗ ବିବେକର, ଘ ସରଳତାର। କ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର, ଖ ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର, ଗ ବିବେକର, ଘ ସରଳତାର। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ତେବେ ପିଲାମାନେ? ତା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବିଜୟ ହୁଏ? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ମାନେ ପ୍ରଚାର, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିକରି ଯେଉଁ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ବିଜୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି,
तो 15 नंबर प्रश्न ये प्रोपागंडार प्रभाव दर्शाई क्यों गल्पर अवतारण कर प्रोपागंडार प्रभाव दर्शाई क्यों गल्पर अवतारण कर 2019 सैंस पे मैंने क लंकारे हरिशब्द ख बाप राण ढेंकी गिल गिनि तुंडे छेली कुकुर घ माकड़ पिठाखिया क लंकारे हरिशब्द ख बाप राण ढेंकी गिल गिनि तुंडे छेली कुकुर घ माकड़ पिठाखिया तेणु आंसर होनी तुंडे छेली कुकुर तेणु प्रोपागंडार प्रभाव दर्शाई क्यों गल्पर अवतारण कर लेखक क्यों दल गल्प को दर्शाई से गल्पर ना होनी तुंडे छेली कुकुर देखा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी लास्ट प्रश्न भारत में कौन लंकार हरिशब्द पी कारत कौन लंकार हरिशब्द बोली कह 2020 साइंस आसला पे क व्यक्तिगत अधिकार ख अर्थनैतिक समता ग असामाजिक न्याय घ छुआ अछुआ भेदभाव क व्यक्तिगत अधिकार ख अर्थनैतिक समता ग सामाजिक न्याय घ छुआ अछुआ भेदभाव तेणु आंसर होठी सामाजिक न्याय तो भारत में कौन लंकार हरिशब्द बोली कह भारत सामाजिक न्याय लंकार हरिशब्द बोली कह तेणु पाने केमिति लागिला भिडियोटा देख ए क्विज माध्यम तुमको टेस्ट करा जाउची ए जो MCQ क्विज माध्यम तुम मानक टेस्ट करा जाउची एवं ए टेस्ट रे मु तुम देख केते मार्क आसुची तो 16 प्रश्न मु तुम सहित डिस्कशन करली 16 प्रश्न रु किए के ठीक कर देख 16 × 5 मु 5 मार्क प्रति प्रश्न देउची 16 × 5 समान 80 मार्क तो 80 मार्क रु 80 मार्क क्यों मैंने रखिल से मैंने टिके देखई दियो तुम्हें चार्ट बॉक्स रे लिखी दियो कि मु 80 রু 80 मार्क रखिली तेणु बहुत बहुत धन्यवाद पे जो मैंने सब्सक्राइबर करना व्यूज देखुं मो स्टूडियो मध्यम देखिपी जो मैंने सब्सक्राइबर करना किंतु व्यूज रे आसुं प्लीज से मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बेल आइकन को जाकर ऑल कर दिंतु कहीं जो क्लास मेसेज तुम पाक पहुँची जीव ऑटोमेटिकली निश्चय गोटे लाइक कर दियो कहीं लाइक तुम हूँ मोर इंस्पिरेशन लाइक तुम हूँ मोर इंस्पिरेशन गोटे लाइक कर दियो एवं परे क्विज सरला निहाती कमेंट रे लिखिबो कमेंट बॉक्स रे केमिति लागिला ए क्विज टी तेणु परवर्ती विषय गुड़िक क्विज हम एवं क्विज बहुत इंटरेस्टिंग पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को निहाती समस्त को शेयर करिबो बहुत बहुत धन्यवाद।